क्लास फोर में देखिए चैप्टर फाइव स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है अनीता एंड द हनी बीज। अनीता एक लड़की का नाम है और हनी बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ। अनीता और मधुमक्खियों की कहानी है, एक लड़की और मधुमक्खियों के बारे में ही बताया गया है इस चैप्टर में। माय नेम इज अनीता कुशवाहा। लड़की बोलती है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचहा विलेज। मैं बोचहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। और यह बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर। मैं यहाँ अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। और पढ़ने के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। मैं मधुमक्खी पालन भी करती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड। जब मैं छोटी थी तो मैं अपना पूरा टाइम, पूरा समय बकरियों के साथ बिताती थी, उन्हें ग्रेस्ट मतलब होता है चराना, बकरियों को घास चराने में अपना पूरा टाइम व्यतीत करती थी, बिताती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्कूल, गो टू स्कूल, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडियाज फॉर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती थी, बट लेकिन माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को यह पसंद नहीं था, लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, लड़कियों का स्कूल जाना। मैं स्कूल जाना चाहती थी, विद्यालय जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाने का आइडिया जो था वो पसंद नहीं था। फिर आगे देखिए, ए ड्रीम ऑफ स्कूल। ड्रीम मतलब होता है सपना, ऑफ स्कूल, विद्यालय का सपना। वन डे आई पीप्ड इन टू द स्कूल इन आवर विलेज। वन डे मतलब एक दिन, आई पीप्ड, आई मतलब मैं, पीप्ड मतलब होता है झांकना, इन टू द स्कूल, स्कूल में, इन आवर विलेज अपने गांव में। एक दिन मैं अपने गांव में, स्कूल में पीछे से देखी या फिर झांकी। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैं वहां नहीं जा सकती थी। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। आई साइलेंटली वेंट, मैं धीरे धीरे वहाँ गई, साइलेंटली मतलब चुपके से, चुपचाप वहाँ गई, एंड और सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, और बच्चों के पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैं बहुत खुशी महसूस की। आई वेंट होम, मैं घर गई, एंड पिक्ड अप कॉरेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, और अपने माता पिता से स्कूल जाने के बारे में कहने का साहस जुटाया, हिम्मत की कहने का। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, लेकिन वे मुझे साफ साफ बता दिए, दैट कि आई कुड नॉट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, और उस दिन मैं बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। उसमें से एक टीचर, एक अध्यापक गांव में, गांव के एक, उसमें से एक टीचर एक्सप्लेन किए, विस्तार रूप से बताएं टू माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता को, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड दैम, अध्यापक ने बताया उन्हें, दैट कि दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास एट। उन्होंने मेरे माता पिता को बताया कि क्लास एट तक पढ़ने के लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट कि इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने बताया, अध्यापक ने बताया कि पढ़ाई सारे बच्चों का राइट होता है, अधिकार होता है। सम हाउ माई पेरेंट एग्रीड, और ऐसे करके मेरे पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, एग्री हो गए, सहमत हो गए इस बात से।
आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल और मैं विद्यालय जाना शुरू कर दी। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मेरे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आ सके, बट लेकिन आई ऑलवेज आस्क्ड माई मैनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछा करती थी। एक तो इतने का आप लोग अर्थ होमवर्क की कॉपी पे लिख के और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।